डेंगू देखने के लिए फोटो छपवाए। रविशंकर जी, कल जब आप निकले थे तो डीडीटी छिड़काव करवा करके आप रोड पर निकले। पटना की जनता आपसे जानना चाहती है, जिस रोड से आप निकले थे वो रोड सरकारी रोड था, जहां सरकारी लोग, टैक्स देने वाले लोग रहते हैं, आप उस रोड से निकले। आपकी औकात और हिम्मत है तो एक बार व्यापारी, जहां पटना के व्यापारी और मारवाड़ी भाई रहते हैं हमारे, उस रोड में निकल करके आप हमको दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत कितनी बड़ी है। आम जनता के लिए टिड्डी की छिड़काव नहीं होती है, और पानी सूखने के बाद इसी रविशंकर जी का बगल में कृष्णापुरी, जिस इलाके में महाप्रलय है, कंठभर पानी अभी भी है, फुलवारी शरीफ में कंठभर पानी अभी भी है, जहां 11 दिनों से बच्चे खाने नहीं खाए हैं, पूरा का पूरा बाईपास इलाका आज भी नर्क बना हुआ है। जो खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते, कमजोर हैं, कायर हैं, 3 दिनों तक कैद रहते हैं, बच्चे भीख मांगता है अंकल मुझे भी बचा लो, और वो बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं जुटाता, अपनी पत्नी बहन और खुद को लेके निकल जाता है। जिस पटना ने जदयू और बीजेपी को 15 और 15-30 साल विपक्ष और सत्ता पक्ष में बने रहने का सुशील मोदी को राइट दिया, और वो एक दिन भी राजेंद्र नगर के किसी रोड में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्या जब बच्चे चिल्ला रहे थे उनको वहीं पर चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? क्या उनको जीने का राइट है? किस मुंह से वो दिखाएंगे? हमने उनके घर में पानी पहुंचाया, उनके गार्ड हमसे बोले कि अखबार में मत दीजिएगा, पड़ोसी को आपने नहीं दिया, आप अपने परिवार को नहीं दिया, क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी? सरकार ने एक आधा लीटर दूध नहीं पहुंचा पाई, निकलने के बाद आप एक बार राजेंद्र नगर, कंकरबाग, पाटलिपुत्रा, पटना के 70% डूबी हुई जनता के बीच आप नहीं गए, जनता को मरने पर आपने छोड़ दिया, आप मजबूर कर दिया, बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया। ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी पर। बाढ़ पीड़ित या बाढ़ में कोई भी डिजास्टर होता है, उसके बाद जो राहत होता है उसमें भी सबसे ज्यादा पिकनिक पदाधिकारी मनाते हैं, लूट करते हैं। नीतीश कुमार जी के जो नौरत्न है, जो एक ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है, उनको जनता की अदालत में लाने की जरूरत है। ये नरसंहार नहीं है, ये जनसंहार है। वो बराबर सुरक्षा की बात करता था, क्या हो गया आनंद किशोर जी? मैं जानना चाहता हूँ कहाँ चले गए डिजास्टर पर आने वाले लोग? ये पदाधिकारी को सिर्फ सुनते हैं नीतीश कुमार, ये जनता की आवाज नीतीश कुमार के कानों में नहीं जाती। आनंद किशोर का जाता है, चंचल जी का जाता, ये एक तो जो यहाँ पर कौन है, अमृत प्रत्यय, उसका जाता, इन लोगों के जाते हैं। बिहार की जो लोग बिहार को बनाते हैं उनकी आवाज उन लोगों तक नहीं है, जो जर्मनी में, विदेशों में पैसा जमा करता है। मैं सबको जानता हूं, छोड़ूंगा किसी को नहीं, किसी को नहीं बख्शूंगा जिनके जिनके पैसे विदेश में जमा है और नेताओं के पास जमा है। आप चिंता मत करिए, 40 लाख हैलोजन टैबलेट सरकार खरीद के रखती है भैया। सरकार, ये पटना की जनता है, 11 दिन तड़प तड़प करके माँ और बच्चे एक दूसरे के सामने तड़पे हैं, इसको आह लगेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है, इस आह से, इस आंसू से कोई नहीं बचा पाएगा। ये गलत फहमी में ये ना रहे, इसीलिए मेरा ये डिमांड है। रामकृपाल यादव जब पानी में डूबते हैं तो अपने अधिकारी को निकम्मा बताते हैं। भैया मुझे नहीं पता किसी के बारे में, कोई पैर छूते हैं, पैर हाफ पेंट में निकलने के बाद कोई क्रीच में जाते हैं, जिनको अपने पड़ोसी की चिंता नहीं, जिनको अपने गार्ड की चिंता नहीं, जिसको अपने रोड की चिंता नहीं, वो वार्ड सदस्य बनता है और जनता उसे बनाती है, तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है।